हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज फिर से हम अपनी नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आप इसे जल्दी बना सकते हैं, व्रत में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये शकरकंदी ले ली है। शकरकंदी आपको पता ही है कि हम इसे व्रत में खा सकते हैं और ये हमारा वजन भी नहीं बढ़ाएगी। हम इसे आलू से रिप्लेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हम इस शकरकंदी के छिलके उतार कर इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसके छिलके उतार के इसको गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक बाउल रखा है, मैंने प्री हीट पे इसको चालू कर दिया था। हमें फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। एज यू ऑल नो कि घी है वो हमारे लिए कितना ज्यादा पौष्टिक है। हम ऑयल की जगह घी डालेंगे जिससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। घी को हमें मेल्ट करना है। फ्लेम है वो हमें लो ही रखनी है। देखिए इस तरीके से हमारा जो घी है वो मेल्ट हो गया है। अब हमारी शकरकंदी है वो इसमें हम डाल देंगे। इसे आप व्रत में नाश्ते में भी खा सकते हो या शाम की चाय के साथ भी। अब अच्छे से हम इसे मिला देंगे। और इसको फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा पका देने के लिए हम इसको लीड इसकी लीड है इसको ढककर 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। हमारे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारी शकरकंदी है वो पक गई है या नहीं। इसका पता आप कैसे लगाओगे? तो देखिए, आपको इस शकरकंदी को तोड़ के देखना है। अगर ये इजीली टूट जाती है तो मतलब हमारी शकरकंदी है वो पक गई है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डालिए, वरना आप इसे नहीं डालिए। थोड़ा सा लाल मसाला, अगर आपको तीखा टेस्ट पसंद है तो इसमें डालिए, इसे भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। काला नमक, चाट मसाला, इन सबको डाल के हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। आपको पता है कि मैंने इसमें चीनी डाली है, तो चीनी को डिजोल्व करने के लिए मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका रही हूँ। हमारे 2 मिनट हो गए हैं और हमारी चीनी है वो डिजोल्व हो गई है। देखिए अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, नींबू का रस। अच्छे से मिला लेंगे। हमारी चाट है वो रेडी है। अब इसे हम प्लेट करेंगे। और चाट मसाले के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा।